हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनु ट्यूटोरियल। मु अनु आपन समस्तन को पुनी थरे स्वागत करुछि आमर चैनल अनु ट्यूटोरियल को। आपन समस्तन को पाए मु आज जो वीडियो टे नै आछे से वीडियो टे आपन माने देखि परथु गोटे नोट र पेपर पेज देखि परथु आपन। तो मैं एटा आपन मान पाए नै के आछि अभिज्ञान शाकुंतलम ता सहित संस्कृत साहित्य र इतिहास र किछटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो गुडा के आपनकर एग्जाम रिलेटेड रहइबो। तो आपन मान को मु कहितली कि एग्जाम रिलेटेड किसी क्वेश्चन पेपर देवे जो गुड़ाक कि आपण मैं एग्जाम रे क्वेश्चन आसो से गुड़ाक आपको हेल्पफुल रहा। ठीक अच्छे, तो आपण मैंने बहुत पिला भी कमेंट करते कि मैडम आप प्लीज आमको कोर टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स दिंतु। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर मुझे जो पेपर मुझे पाँच देखते एग्जाम से पेपर गुड़ाक आपण मैं नहींक आसवाक चेषा कर ताकि जो यूनिवर्सिटी रे जो ऑटोनॉमस कॉलेज रे एग्जाम हो न से पाला हेल्प हो। ठीक अच्छे, जो मान तो अलरेडी सरी जाइए से मर सरी जाइए। ठीक अच्छे, तो से जहा हूँ मुझे कोर वन पेपर आपण मैं नहींक आसी कौटार ना रमादेवी यूनिवर्सिटी ढेंकानाल ऑटोनॉमस कॉलेज गोटे कौन ना एथिक्स एंड वैल्यूज क्वेश्चन पेपर नहीं आसी ता सहित ईवीएस क्वेश्चन पेपर भी नहीं आसी पॉलिटिकल साइंस भी मुझे नहीं आसुचे टिके। तो टाइम अच्छे पॉलिटिकल साइंस रमादेवी यूनिवर्सिटी पिलाई तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपदेप ट्राए करी ताकि से गुड़ाक आपण मैंने देखिले से गुड़ाकर किसी क्वेश्चन आपण मैं एग्जाम निहाती आसी मुझे भावुचे। ठीक अच्छे, तो वीडियो गुड़ाक आपण मैं हेल्पफुल हम मुझे आशा करुँचे। चलत देखा और स्टार्ट करवा कि कोर टू रण रही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। तो देखो कौन दे क्वेश्चन गुड़ाक नाटककार कालिदास परिचय उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकस्य नामकरणम सार्थकता प्रतिपादयता। ठीक अच्छे, आपण मैंने जो इम्पोर्टेंट गुड़ाक पचारे तो मुझे अलरेडी आपण मानको दे सारी मोर सबू चैनल रे वीडियो गुड़ाक। तो आपण मैंने देखा जो चाहिए अभिज्ञान शाकुंतलम जाके कौन देखता ना लॉन्ग क्वेश्चन तो देखि दिंतु अभिज्ञान शाकुंतलम जाके लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो देखि दिंतु। तो से सब आपजे ये जो क्वेश्चन गुड़ाक से क्वेश्चन आंसर भी आपठी मिल जाव। तो आपण मैंने बहुत पिला पुणी मतलब पचारे कि मैडम आंसर दिंतु। तो आपण मैंने वीडियो जाके चेक करनी वीडियो आंसर आपजे। ठीक अच्छे, द्वितीय क्वेश्चन देखो कौन दे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से प्रथम अंक कथा सारांशम वर्णायत चतुर्थ अंक से कथा सारांशम वर्णायत फिर दे राजा दुष्यंत चरित्र व्याख्या करू शाकुंतलया चरित्रम चित्रायत। तो यहाँ मुझे खाते नोट करके आपण मानी क्वेश्चन गुड़ाक नहींक आसी प्रथम अंक गज प्रवेश उपयोगिता वर्णायत चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम् इति उक्तिम समालोचयत। यहाँ गोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट आपण मैंने देखो जे तत्रापि च चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम् इति उक्तिम समालोचयत भेरी भेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तापर आपण मानक क्वेश्चन आसव समास सकारण विभक्ति संधि विच्छेद गुड़ाक आसते ये भी देखी नहीं थे। तो एतिक लॉन्ग क्वेश्चन तो एमती देखा गलत बहुत अच्छे लाइक आउ गोटे भी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे कह कौन ना मु नोट करनी बिकज एमती जब देखिए सब लॉन्ग क्वेश्चन आम इम्पोर्टेंट तो आमको सब देखा पड़ो जो मैंने भल स्टूडेंट से अलरेडी सबूतक पूरा बही कम्प्लीट करदे। तो भल खराब कि ना फ्रेंड्स आम समस्ते हूँ भल स्टूडेंट। ठीक अच्छे, आमको समस्त को प्रॉपर्ली बही पढ़ी एग्जाम देवाक पड़ा ताकि आम भल मार्क अचीव कर। ठीक अच्छे, तो ओवरअल जदि आम देखा किसी इम्पोर्टेंस जोड़ा कि आम कौचे कि एग्जाम पूर्वदिन टी देख प्राक्ट कर देखी जा तो युवाक जब प्राक्ट करें भितर क्वेश्चन तो मुझे भावुची आसब। हाँ, तो मुझे गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहती से क्वेश्चनटा हूँ अच्छे जमीती एग्जाम्पल हम आम अभिज्ञान शाकुंतलम प्रकृति को चित्रण कर। ठीक अच्छे, ता सहित समस्त चरित्रम वर्णायत चरित्र चित्रण कर किए किए अच्छा से पार्ट गुड़ाक लिखे गोटे क्वेश्चन समस्त वर्णना करें एम तो बहुत सारा अच्छी। तो जो सब देख सब इम्पोर्टेंट तो एतिकितर मुझे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दौर आप ट्राए करूँ एति भले पढ़ चुक आ सब गुड़ाक भी देखो ता सहित एतिक ओभर लुक करके जातु। ठीक अच्छे, तापर देखो आमर आसला ये समस्त सकारण संधि विच्छेद पर यह आसला आमर नौ नंबर टू आमर कौन हो देखा जदि यू आसी जामर संस्कृत साहित्य इतिहास। ठीक अच्छे, तो संस्कृत साहित्य इतिहास प्रथम क्वेश्चन कौन रही देखु प्रथम क्वेश्चन रही संस्कृत साहित्य इतिहास रामायण से वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत। तो यहाँ रामायण उपर जाए रामायण से वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत यहाँ जहाँ महाभारत से महाभारत से वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत देखिपे जमीते ठीक रामायण वैशिष्ट्य प्रतिपादयत महाभारत से वैशिष्ट्य प्रतिपादयत ठीक सेमती रामायण से समय काल निरूपायत
ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାଭାରତସ୍ୟ ସମୟକାଳ ନିରୂପାୟିତ, ଏଇ ସେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, 12 ନମ୍ବର୍, 9 ନମ୍ବର୍, 10 ନମ୍ବର୍, 11 ନମ୍ବର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମ୍ ମହାଭାରତର ଯାହା ରାମାୟଣର ସେୟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ ଦେଖିଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ପଶ୍ୟାମିବ ପିନାକିନମ୍, ପଶ୍ୟାମିବ ପିନାକିନମ୍ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ୟୋହ ପୂର୍ବାପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚୟତ, ମାନେ କହ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ୟୋହ କହ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣୟତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତର ଟିକିଏ ସରଳ ଭାଷା, ଟିକିଏ ଯଦି ଆମେ କଠିନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ୟୋହ ପୂର୍ବାପର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚୟତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର୍ ଦେଇଛି, ରାମାୟଣସ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବର୍ଣ୍ଣୟତ ବା ରାମାୟଣସ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣୟତ। ତାପରେ ଜନ୍ମହାସ୍ତି ନ ତତ୍ କ୍ୱଚିତ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମହାସ୍ତି ନ ତତ୍ କ୍ୱଚିତ୍, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ, ଏଠାରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଏଇ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ପାଇଯିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଅଛି ପୁରାଣସ୍ୟ ପଞ୍ଚଲକ୍ଷଣମ୍ କିମ୍ ପୁରାଣମ୍, କ'ଣ ପୁରାଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପୁରାଣସ୍ୟ ଦଶଲକ୍ଷଣମ୍, ତାପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣାନି ଆଲୋଚୟତ। ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବେ ସେଇଟା କହିକି ଆସିବି। ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବି କ'ଣ ନା, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତା ନାହିଁ ମୋର, ତ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା କେଉଁଠୁ ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯାହା ବୁଝିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ଡିଟୋ ଡିଟୋ କେବେ କପି କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଥିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।